I'm Shivani and welcome back to my YouTube channel. So it's a new day and a new video. So happy Dashara to everyone. आज दशहरा है. जैसे दशहरे वाले दिन भगवान राम ने अपना एक बाण चला के सारी बुराइयों का अंत कर दिया था, वैसे ही आप सभी की लाइफ में भी सारी नेगेटिविटी खत्म हो एंड पॉजिटिविटी स्प्रेड हो, ये मेरी विश है. एनीवेज अभी मैं मार्केट से आई हूँ. धीरज मेरे साथ गया था. हम आए हैं, पूजा है ना घर में. दशहरे में हमारे घर में पूजा होती है, आटे से कुछ रावण वगैरह बनाते हैं. कईयों की होती है, कईयों की नहीं होती. आप कमेंट करके बताना आपके उधर होती है या नहीं. तो उसके लिए सामान लेकर आए हैं. अभी पूजा करेंगे, उसके बाद मैं और धीरज जाएंगे मेला देखने. आई नो, मतलब कई जगह ऐसा होता है कि बहुत अच्छे से मेला होता है, हम वैसे वाला मेला देखने नहीं जा रहे और वो शाम को होता है. बट अभी तो दोपहर हो रही है और हम दोनों अभी जाएंगे सारी जगह कवर करने के लिए, क्योंकि शाम को मम्मी जाने देते दूर, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है ना. तो मम्मी बोलते हैं कि नहीं जाना, लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं. तू क्या कर रहा है? खाना नहीं है, ये पूजा का सामान है. ओ खातन दिया? नहीं खाया तो छिलका ना गिरता है. हम पूजा कह कहीं खा ले दो, नहीं ऐसे झूठ नहीं बोलते, मम्मी उड़ाएगी. तो फिर हम दोनों जाएंगे मेला देखने, मम्मी से पैसे मांगेंगे तो शहर का. फिलहाल तो ऊपर चलते हैं. हमारे घर में आटे का रावण बनाते हैं, जो कि हमेशा अमन या पापा बनाते थे, मुझे आता तो है नहीं. कोई बात नहीं, ये तो सिर है यहाँ पे. इसके साथ ना गोबर के उपले होते हैं, जैसे ऐसे 10 सिर बनाए जाएंगे. यहाँ पे भी गोबर रखा जाएगा और ये पैर हो गए और ये एक तलवार होगी एक हाथ में और एक हाथ में गदा, ऐसे करके कुछ बनाता है. मम्मी कंप्लीट करेंगे, मतलब मेरा काम इतना ही था, अब बाकी का काम मम्मी करेंगे. मम्मी ये गोबर को आप हाथ से कर रहे हो, आपको वो नहीं हो रहा है? कितने वही 10 सर बनाओगे ना? बनाओ मैं पूरा फिर दिखाऊंगी. मैंने नहीं मम्मी पूजा कर दिया अभी, हमने तो सिर्फ माथा ही टेकना है इसमें. ये क्या है मम्मी? इसको कुशा बोलते हैं ना? कुशा बोल रही है. हाँ खेतरी, सॉरी सॉरी रावण अंकल, मुझे पता नहीं था. अब हमें लड्डू मिलेंगे, लड्डू. पहले तो रावण अंकल को मिलेंगे लड्डू, उसके बाद हम मत्था टेकेंगे, हमें मिलेंगे लड्डू. ये बड़े लड्डू. कौन सा लड्डू? वो तो तू खाएगा. वो जब ये वाले लड्डू दिख रहे हैं ना, ये धीरज खाएगा और जो मम्मी चढ़ा रहे हैं वैसे और प्रसाद रहेगा, वो मैं खाऊंगी. मम्मी से ले लिए पैसे घूमने जाने के लिए, टाइम हो रहा है दोपहर के. आजा जल्दी, बाद में मार लियो अपनी बहन को. हाँ तो टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 और मैं और धीरज इतनी दोपहर को जा रहे हैं घूमने. धूप कम है इसलिए मैंने कहा चल हो आते हैं. कपड़े चेंज करने गया, आएगा तो फिर हम दोनों जाएंगे घूमने. और आज लंच भी नहीं किया, बाहर ही कुछ खाएंगे. पूजा कर लिए घर पे, वैसे अच्छा अच्छा खाना बना हुआ था, मखनी दाल वगैरह वगैरह. तो अभी नहीं खाई है, मैंने कहा शाम को खा लेंगे. तो फटाफट चलते हैं. घर के पास भी ना रावण बनाया बच्चों ने, वो भी आन बड़ा. तो सबसे पहले वही वाला रावण कवर करूंगी, शाम को जब वो रावण जलेगा ना तो फिर हम वहाँ चलेंगे. तो एक रावण हमारे घर के पास ही बना है, गली के बाहर ही. बाकी नन्ने मुन्ने डॉट कॉम ने बनाया. कितने दिन में बनाएंगे? वो कह रहा है एक दिन में, वो कह रहा 15. पहले साथ से डिसाइड कर लो क्या. 16 दिन में बनाया ये. तो कुछ और ही बोल रहा था. अच्छा अच्छा. तो अभी शिवम आ गया. शिवम का फोन आया था कि दीदी मुझे भी ब्लॉग बनाना है, मुझे अपने साथ ले जाओ. मैं कहा चल ले, क्योंकि वैसे भी धीरज का जाना कैंसिल हो गया था. एक्चुअली क्या वो जाने लगे, मैंने उसको बोला कपड़े चेंज कर. उसने ना लो डाला वो तो, क्योंकि बहुत ज्यादा मेला हो रहा था. तो मैंने उसको बोला कपड़े चेंज कर, क्योंकि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें कोई मिल भी सकता है, थोड़ी कुछ भी बन के उठ के चल पड़ो. तो घर गया, आधा घंटा लगा दिया और आधे घंटे बाद मैं उसकी घर गई. कह रहे मेरे तो कपड़े ही नहीं मिल रहे, इतने कपड़े हो गए जान बुझ के सारे कपड़े ही छुपा दिए. तो मैंने कहा बाढ़ में जा, मैंने ऐसा जाना ही नहीं. बाढ़ में जाए मुझे जाना उसको लेके कहीं, अपने कहीं ट्रिप ट्रुप पर लेके जाऊंगी. फिलहाल अब मैं जा रही हूँ शिवम के साथ, क्योंकि ये भी अपना ब्लॉग बना लेगा. मैं भी एक देखो रास्ते में रावण है, इस रावण को कवर करने का मेरा मेन मोटिव है. इसके कानों में जो इयररिंग है ना, मतलब बालियां कितनी बड़ी बड़ी बनाई है. केले एक जन ने बनाया? अच्छा 15 दिन में बनाया है, वेरी नाइस. इसके बालियां बड़ी सुंदर बनाई और आंखें भी. जो चीजें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो इसकी बालियां और इसकी आंखें. पर जब ये जलेगा तो तुम्हें दुख नहीं होगा, इतनी मेहनत करी तुमने और 5 मिनट में जल जाएगा सारा? वो तो ठीक है, चलो भाई वेल डन, अच्छा बना. पहला मेला स्टार्ट हो गया, अभी तो क्राउड है तो शायद दिखना. आज मैं शॉप देख के लग रहा होगा ना आपको मेला मिला जैसा है कुछ. अभी ये निकले फिर दिखाती हूँ आपको मैं. कौन था ये कह रहा था ब्लॉग बना रहे हो दीदी? पता नहीं, मैंने तो शक्ल नहीं देखी. सब्सक्राइबर होगा. दिस इज द ग्राउंड, दशहरा ग्राउंड के नाम से, जो कि फेमस है. और यहाँ पे देखो आप 3 बना रखे, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ है ना. काफी दूर से मैं शूट कर रही हूँ और अच्छा लग रहा है देखने में भी. एनीवेज अभी अंदर जाना अलाउड नहीं, यहाँ पे चेयर्स वगैरह लग रही है ना, तो हमने पहले बोल दिया कि ज्यादा अंदर जाना अलाउड नहीं है. मैंने कहा चलो यहाँ पे शाम को ना, मतलब मैं आपको बताऊँ पैर रखने की जगह नहीं होती, इतना ज्यादा क्राउड होता है. जो उधर सामने है ना वहाँ पे गेट है एंट्रेंस का, वहाँ से एंट्री होगी. और ये पूरी मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा बैठने वाली जगह फिल हुई हुई होती है.
ये पूरा आगे वहाँ तक है, मतलब ग्राउंड पूरा फिल होती है जगह। अभी हम आ गए हैं हमारे यहाँ का गांधी ग्राउंड, वो उधर देख रहे होंगे ना, रावण और वो लगे हुए हैं, मतलब पुतले बने हुए हैं। और ना ये यहाँ से टूटा हुआ रास्ता है, तो जरा फोन पकड़ ले शिवम और ब्लॉग बनाता चल। टूटा रास्ता है जिसपे हमें जाना पड़ रहा है रावण जी से मिलने। ये देखो, ओहो, ऑफ रोडिंग इन अम्बाला कैंट। हमने तो एक्टिवा ही बनाई है ऑफ रोडिंग के लिए, हमारे पास तो गाड़ी नहीं है ना, क्या कर सकते हैं, थार तो नहीं है। अभी एक्टिवा यही पार्क कर दिए, बाकी ये इधर रावण वगैरह आया है। और ना पहले क्या होता था, ये गांधी ग्राउंड ना हमारा, ये जो बिल्डिंग है ना इसके उधर से यहाँ से पूरा एंड तक होता था, वो जो वो ब्लू ब्लू बने हुए ना वो भी नहीं होते थे, तो पूरे में होता था ये प्रोग्राम। बट अब यहाँ पे कुछ हो रहा है, ये देखो ना, ये तो यहाँ तो हो सकता, तो इसलिए अभी थोड़ी ही जगह पे कर रखा प्रोग्राम। तो चलो चलते हैं भैया, फटाफट आ जा ब्लॉगर साहब, आ जाओ ब्लॉगर साहब। दशहरा ग्राउंड नहीं है, गांधी ग्राउंड है ये। कहाँ बोल रहा है, दशहरा ग्राउंड बोला तूने? हाँ, दशहरा ग्राउंड से बड़ा है यहाँ पे और सुंदर भी ज्यादा। यहाँ पे तो अंकल हमें खड़े ही नहीं होते। चल जल्दी जल्दी ब्लॉग बना, और चल रहे हैं, दो मिनट का टाइम है हमारे पास। तो यहाँ पे नहीं, काम भी हो रहा है ना, इसलिए ज्यादा देर रुकने दे रहे। आगे भी तो लोग खड़े हैं यार, यहाँ क्यों नहीं खड़े होते फिर हमें ये लोग? तो भाई ये बिल्कुल पास से इस टाइम पे रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ, बहुत रश होता था यहाँ। मैं छोटी होती आई थी, एक बार आए थे हम ना वहाँ स्टेज के ऊपर, पापा ने मेरे को रमन को लेकर आए थे, वहाँ छोड़ के आगे पीछे हो गए, मैं रोने लगी, पापा कहाँ चले गए मेरे, फिर पापा आए, फिर हम घर आए। कार देखो, वो तेरी कार कितने बड़े बड़े, मैं तो अभी देखे, देखो सबसे बड़े रावण जी के ही प्यार है। देख लिया मेला, बना लिया व्लॉग, मिल लिया रावण अंकल से, क्या कह रहे रावण अंकल, क्या सीखा आपने रावण अंकल से, क्या सीखा रावण से, क्या सीखा तुम रावण से भी कुछ सीखा, क्या हमें ये करना चाहिए, क्या सीखा? शिव भक्त होना चाहिए। वेरी गुड। और तुझे पता है रावण को सब नेगेटिव बोलते हैं, बट है वो कितने पॉजिटिव पंडित थे, वो ब्राह्मण थे वो, पॉजिटिव है वो। हाँ, वो तो उनकी एक वो थी, वो भी हमें सिखाने के लिए उन्होंने वो सब, है ना, भगवान की लीला। हम आए थे ना तब यहाँ पे रश नहीं था, और अब हम आ गए तो देखो कितना रश है, हमसे कदम पड़ जाते हैं, बड़ा तो फेमस है, आया बड़ा कदम पड़ जाते हैं। शायरी बोली है, वाह 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 वाह, तू शायर तो नहीं, फिर इतनी गंदी शायरी क्योंकि यहाँ ना बहुत सारी दुकानें हैं खाने पीने की, खिलौनों विलौनों की। तो मैंने शिवम को बोला कि बता क्या खाना है, शिवम ने इतनी समझदारी की बात की, कह रहा है दीदी क्या फास्ट फूड में रखा है, मैंने सोचा था पिज्जा वीजा खाएंगे, कह रहा क्या रखा है इन सब चीज़ों में, कहता दीदी जूस पीते हैं, प्रोटीन मिलेगा और साफ मिलेगा, साफ बात प्राउड होती है। लड़का जिन जाता है उसको पूरा यूटिलाइज भी करता है, एग्जीक्यूट करता है, अपनी चीज़ों पर गौर करता है, मैं नहीं करती, मैं तो बार बार खूस के ही जी रही हूँ, बाहर वाले खाने को ही जी रही हूँ। अब क्या खाएंगे हम, जूस बस चल चले फिर, मैंगो शेक, थैंक यू शिवम, आइसक्रीम मैंगो शेक। घर के पास में इधर ही जो रावण बनाया ना, जो सबसे पहले दिखाया था, वो रावण जला दिया। हाँ जी रोही जी, गाइस फूट गया, हाँ। ओहो धुआं ही दिख रहा, एक मिनट में फूट गया, पांच बम जले यहाँ पे, सिर्फ पांच बम जले ऐसा लग रहा है ना, अच्छा सा प्रोग्राम सा किया था, मैं तो वही कह रही पांच बम जले टोटल, कोई बात नहीं, बच्चों ने बनाया, पांच मिनट भी लगे। हमारे लड़के का हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। और तेरा ट्विन का है दुकान पे, वो दुकान पे तू मजे कर रहा, वैसे देख दो भाई हो तुम, और ये देखो ये मेरे लिए क्या लाया, क्या लाया वैसे, हाक्का नूडल्स लाया, थैंक यू। तू नहीं खाएगा, कहाँ जा रहा है सेलिंग के साथ, समथिंग सब ब्लॉग में आ गया। अब ये डिनर वगैरह कर लिया, अब जा रहे हैं बाहर आइसक्रीम खाने के लिए, पापा मेरी बुआ का बेटा है, मम्मी मैं एक भैया और है, मतलब उन सब जा रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए। अमन ठीक से बर्स्ट भी नहीं हुआ अभी, उसके डंडे डुंडे सब वैसी के वैसी है, जले ही चार पाँच बम में पूरा जल गया था, ये था ही नहीं कुछ इसमें, पर देखा जाए तो अच्छा भी ना, पोल्यूशन भी कम ही हुआ होगा यहाँ पे सबसे ज्यादा। सारी सड़कों का पूरा हाल कर रखा है यहाँ, देखने कहाँ से निकालते बंदा गाड़ी, तो पूरा अम्बाले को मतलब एक चक्कर मारना, तो सोच लो अच्छी खासी ऑफ रोडिंग कर ली आपने। अभी हम आया आइसक्रीम खाने काकू जी पे, यहाँ की आइसक्रीम काफ़ी यम्मी होती है, तो यहाँ आया, लाइट नहीं है यहाँ पे, थोड़ा क्वालिटी के साथ एडजस्ट कर लेना। ये भैया कह रहे मेरे को भी ले लो व्लॉग में, कल्ली कल्ली लगी रहती है, ले लिया व्लॉग में, बोलो ले लिया व्लॉग में, आप कह रहे थे ना काकू जी आइसक्रीम पे आ रहे हैं, हाँ मी शिवानी मामा मामी हमारे बड़े बड़े भैया, काफी लिया, अब जा रहे हैं घर। मम्मी कैसी थी आइसक्रीम? अच्छी, बट वो करतार वाला स्वाद नहीं था, है ना, करतार की जो पिस्ता है ना वो अलग ही है,
मतलब मेरे को पिस्ता फ्लेवर पर्सनली बहुत पसंद है। वो करतार और सखुजा ना हमारे वहाँ पे फेमस है, वो करतार की तो बेस्ट है यार, बेस्ट सच में, नो कंपैरिजन फॉर दैट। अब हम आए हमारे यहाँ के फेमस पीर बाबा, मामा भांजा पीर भी बोलते हैं, डेयरी फार्म पीर भी बोलते हैं। यहाँ हम अम्बाला से जग्गी जाते हैं उस रोड पे, बाहर से कितनी बार निकलते हैं अंदर नहीं आते हैं। बहुत साल हो गए अंदर आए हुए, तो आज पापा कहते हैं मत्था टेक कर आते हैं, तो फिलहाल अब हम आए हैं यहाँ। मम्मी कितना टाइम बाद आए हो? बहुत सारे टाइम बाद आए ना। मैं तो बाहर से कितनी बार निकलती हूँ, अंदर कभी आना ही नहीं होता। ऐसा लग रहा है कोई 5-6 साल बाद आई हूँ आज। से जा रहे हैं और घर जाके तो सीधा मैं सो ही जाऊंगी और नहीं पहले ब्लॉग एडिट करूंगी मैं, तो देख लूंगी रात को उठ के करना है या क्या करना है, सुबह करना है। तो आई थिंक इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना है, एंड इफ यू आर न्यू टू माय यूट्यूब चैनल देन डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सो दैट जब भी मैं न्यू वीडियो लेकर आऊं यू गॉट द नोटिफिकेशन। तो चलिए कल मिलते हैं नए दिन और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।